क्या गाइस, आप जानते हैं वन प्लस सेवन आपके लिए कैसा स्मार्टफोन होगा 2020 के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी तो उसमें देखा होगा कि वन प्लस सेवन ने आईफोन सेवन और आईफोन टेन को यहाँ पर बीट कर दिया था स्पीड टेस्ट के रूप में, और जो वन प्लस सेवन की कैमरा क्वालिटी है वो आईफोन सेवन से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ठीक इसी तरह की यहाँ पर आपके लिए रिव्यू दूंगा वन प्लस सेवन का कि वो आपके लिए 2020 के हिसाब से कैसा रहेगा। हे गाइस, आई एम ऋषि जैंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो पसंद आएगा। गाइस, जिस तरह से मैं आपसे बात करता हूँ वन प्लस सेवन का, तो एक बेटर डिवाइस है। आपने ये देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपके लिए आईफोन ज्यादा बेटर देखने को मिलता है वन प्लस के कंपैरिजन में। वो आपके लिए जिस बेसिस पे बोला था वो अभी भी राइट है, बिकॉज ऑफ आईफोन में जो आपके लिए स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और जो iOS का परफॉर्मेंस है उसको वन प्लस कैसे भी टच नहीं कर सकता है। जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है और जो रीसेल वैल्यू मिलती है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ आज आप आईफोन सेवन तो एक बार बाय कर लोगे और उसमें आपके लिए जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो आराम से टक्कर दे देगा। बट अगर उसकी लॉन्च की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 2016 में लॉन्च किया गया था डिवाइस। वहीं अगर हम OnePlus का कोई डिवाइस लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं OnePlus 5T या 5 वगैरह की, जो कि यहाँ पर 2017 में आया था जितना मेरे को ध्यान है, तो वो यहाँ पर 2017 में आया था, वो डिवाइस कहाँ है मार्केट में किसी को याद नहीं है कहाँ पर वो डिवाइस है। बट आज भी लोग iPhone 7 को याद रखते हैं। तो ठीक इसी तरह से 2 से 3 साल बाद यहाँ पर जो iPhone 10 आ रहा है लेटेस्ट, अभी हम बात करते हैं OnePlus 7 के कंपैरिजन में, उसको 2-3 साल बाद भी वैल्यू देखने को मिलेगी। वहीं OnePlus 7 पता नहीं चलेगा मार्केट में कहां जाएगा। तो इस वजह से मैं आपके लिए आईफोन हमेशा रिकमेंड करता हूं। बट अनवाइस्ड मैं आपके लिए जो रियलिटी है उसके बेसिस पर बता देता हूं OnePlus 7 आपके लिए किस तरह का रहेगा 2020 के हिसाब से। जिस तरह से हमने कंपेयर किया यहां पर OnePlus 7 को iPhone 10 और iPhone 7 से, वहां पर OnePlus 7 ने स्पीड टेस्ट के रूप में इन दोनों को बीट कर दिया। आपका सपोर्ट उस वीडियो में बहुत ज्यादा बेहतर रहा। अगर यहां पर iPhone 10 वाली वीडियो थोड़ा और ग्रो करती है तो उसके बाद मैं आपके लिए iPhone 10 का कैमरा कंपैरिजन भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 10 एक बार टक्कर दे सकता है, बिकॉज ऑफ iPhone 7 में तो यहां पर सिंगल रियर कैमरा था, बट यहां पर iPhone 10 में डुअल रियर कैमरा आता है। जो कैमरा क्वालिटी है वो OnePlus के मामले में आपको टक्कर देने वाली हो सकती है। वहीं अगर सेल्फी कैमरा की बात करता हूं तो वहां पर OnePlus हार जाएगा, बिकॉज ऑफ जो सेल्फी कैमरा है उसमें दम नहीं है OnePlus की। अब मैं बात करता हूं 2020 में आपके लिए क्यों ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अगर आपका पर्पज यहां पर गेमिंग से रिलेटेड है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप iPhone 10R लें, नहीं तो आप OnePlus 7 के लिए जा सकते हैं। 30,000 का अगर बजट है तो आप OnePlus 7 आपके लिए एक बेटर डिवाइस होगा। एंड्रॉइड मार्केट में आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं है कि iOS चाहिए एंड्रॉइड चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि OnePlus 7 को आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपके लिए 4000 mAh के अप्रोक्स की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपके लिए दिन भर का बैटरी बैकअप देगी। इसके साथ साथ उसमें आपके लिए फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके डिवाइस को हाल चार्ज कर देगा। और उसके बाद इसमें जो स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है, उसकी वजह से जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगी। तो गेमिंग के रूप में अगर आप यहां पर गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है या गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, तो आप यहां पर OnePlus 7 के लिए जा सकते हैं, जो कि 30,000 के अप्रोक्स आ जाएगा। जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी आपके लिए बेटर देखने को मिलेगी, तो जो एक्सपीरियंस होगा गेमिंग के रूप में वो बहुत ज्यादा एडवांस होगा। वहीं बात करते हैं OnePlus 8 और 8 Pro की, तो वो सीरीज यहां पर 40,000 के अबव आती है। और अगर आपका बजट यहां पर 30,000 है तो आपके लिए OnePlus 7 से अच्छा कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस नहीं होगा। इसके साथ साथ और भी डिवाइस को हम यहां पर कंपेयर करेंगे। अभी OnePlus 7 की बात करते हैं तो इसके साथ साथ प्राइस के हिसाब से उसमें आपके लिए यहां पर स्पेक्स आती हैं वो सब उसके लिए वर्थ हैं। यहां पर आपके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा तो सेल्फी कैमरा, बट रियर कैमरा है उसकी कैमरा क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप बेटर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ 30,000 के हिसाब से वो डिवाइस बहुत ज्यादा बेहतर है, प्रीमियम नेस के साथ आता है। हाँ, ये है कि इसमें आपके लिए आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है, बट जो भी है स्मार्टफोन परफेक्ट है। आप चाहो तो 2020 में डिवाइस को बाय कर सकते हो। आईफोन 7 और आईफोन 10 को यहां पर वो बीट कर चुका है परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक उसी तरह से मैंने आईफोन 10R के साथ भी उसको कंपेयर करने का प्लान किया, बट आपने जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ कि अब मेरे पास हमारा आईफोन 10R जो था वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, वो यहां पर लॉस्ट हो गया था। तो उसी वजह से अब मैं प्लान करूंगा किसी नेक्स्ट आईफोन 10R से उसको कंपेयर करने की। उसके बाद देखते हैं कि आईफोन 10R को वो बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। यही यहां पर रिव्यू था, आप शायद समझ गए होंगे OnePlus 7 आपके लिए कैसा रहेगा 2020 में। साइज से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, बिकॉज वहां पर भी आपके लिए एप्पल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।